Please subscribe my channel Read Designs and press bell icon to see my all latest videos. Hello friends, welcome back. आज मैं आपको दिखाऊंगी tulip सलवार की cutting and stitching. Let's start. सबसे पहले मैं आपको measurement बताऊंगी और fabric का भी बताऊंगी कितना लेना है. ये tulip सलवार की cutting और stitching मैं आपको बताने जा रही हूँ. ठीक है, चलिए. लेंथ सबसे पहले हम लेंथ लेंगे 36, वेस्ट हमारी 32 है तो इसका हाफ लेंगे 16 इंचेस, हिप हमारी 39 है तो इसका हाफ लेंगे 19.5 इंचेस. अब मैं ये बेल्ट बताऊंगी आपको, इसकी बेल्ट कितनी रखते हैं हम. ये जो हमारा हिप का साइज होता है इसमें 3 इंच के प्लस कर देंगे तो 22.5 इंचेस आ जाएगी. तो ये 22.5 इंचेस की बेल्ट आएगी हमारी. अब मैं आपको फैब्रिक बताऊंगी कि इसका कितना फैब्रिक लेते हैं. इसके लिए 2 मीटर फैब्रिक सफिशिएंट होगा. अगर आपने ज़्यादा फ्लेयर बनानी है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो. 2 मीटर सफिशिएंट है अगर ज़्यादा फ्लेयर नहीं बनानी है तो. मैंने अपने 2 मीटर फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करके इस तरह से मैंने रख लेना है और जो बंद वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखनी है. ऐसे बंद वाली साइड मेरी तरफ है. अब मैं इसका ऐसे मैंने कोन शेप देनी है इसको. वो जो कोन है ऐसे मैंने कोन शेप देनी है. वो कोना मैंने ऐसे लेना है. यू कैन सी मैंने बंद वाली साइड को उठा के ऐसे ऊपर की तरफ रखा है. कोना कोन की तरह बनाया मैंने इसको, ऐसे रखा और फिर ऐसे कोना पकड़ के इसको यहाँ से ऐसे ले लेना है. अब इसको मैं ऐसे ये जो ओपन वाला है मैंने इसको ऐसे ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ से मैंने 2 इंच का गैप देना है. यू कैन सी मैं 2 इंच का गैप दे रही हूँ. ये दोनों सारा इक्वल आना चाहिए. ये 2-2 इंच का मैं गैप दे रही हूँ. ये ऐसे मैंने इक्वल कर लेना है 2-2 इंचेस के गैप को. अब यहाँ से मैं 3 इंच छोड़ के अपनी लेंथ लूँगी. नीचे से जो मैंने कोना बनाया मैंने वहाँ से 3 इंच छोड़ के लेंथ लेनी है अपनी. ये ऐसे मैं लेंथ लूँगी 3 इंच छोड़ के. मेरी 36 इंच लेंथ है तो मैंने 35 लूँगी क्योंकि 1 इंच का ऊपर लास्टिक भी आ जाएगा. तो ऐसे मैंने उसी कोने पे रख के मैंने 35-35 का मार्क कर लेना है. ये हल्का सा राउंड शेप में जाएगा. ऐसे मैंने अपनी मार्किंग को डार्क कर लेना है. ये ऐसे हल्का सा राउंड में चला गया है. अब मैं इसको काट दूंगी. अब ये ऐसे मैंने ये काट लिया है. ये ऐसे 35 आ गया है सारा. अब मैं यहाँ से अपना क्रोचर बांट लूँगी यानी कि आसन. ये हिप के अकॉर्डिंग होता है. जैसे मेरी 39 इंचेस हिप है तो मैं उसको 4 से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा. तो 10 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे. इसकी बेल्ट हमारे पास कम है तो हम 11.5 इंचेस आसन रखेंगे. अदरवाइज आसन हमारा 10 इंच ही आता है अगर बेल्ट हमारी बड़ी हो तो. इसमें बेल्ट हमारी कम है तो ये 11.5 इंचेस ही हमारा आसन आएगा. ये 10 इंच में हम जितना हमारा हिप का साइज है उसको 4 इंच से डिवाइड करके 1.5 इंच प्लस करना है हमें. तो ये हमारा आसन का नाप आ जाएगा. यहाँ पर मैं 11.5 पे आसन का मार्क करूँगी. ऐसे मैंने आसन का मार्क कर लेना है. अब ये जो 2 इंच का गैप है मैंने इसको ऐसे मार्क कर देना है आसन के लिए. यहाँ से मैं हल्की सी राउंड शेप दे दूंगी. ये हमारी आसन की मार्किंग हो गई है. मैं इसको कट कर दूंगी. ये हमारा आसन कट हो चुका है. अब इसको मैं खोलूंगी ऐसे.
यहाँ से मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी, जो मैंने डबल फोल्ड करके रखा था बंद वाली साइड को, मैं इसको कटिंग कर दूंगी यहाँ से ऐसे। ये मैंने कट करके दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है, ये इस शेप में आ जाएगा। मैं दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके आपको दिखाऊंगी। तो ये ऐसे इस तरह से एक पार्ट आ गया हमारा। ऐसे ही मैंने दूसरा भी इस तरह से रख लेना है। दूसरा हम इस तरह से रखेंगे, ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से आ जाएंगे। यू कैन सी ये हमारी सलवार कट चुकी है। अब मैं इसकी बेल्ट काटूंगी, जो बचा हुआ फैब्रिक है मैंने उसमें से इसकी बेल्ट काटनी है। मैंने इसमें लास्टिक डालना है, अगर आपने नाला डालना है तो 3 इंच का बेल्ट काटिए, अगर लास्टिक डालना है तो 4 इंच की काटेंगे हम। यहाँ से मैं ऐसे 22.5 इंची पे मार्क कर रही हूँ। अब ये मैंने 4 इंच की बेल्ट काटनी है इस तरह से, 1.25 इंची या 1.5 इंची का जो हमारा लास्टिक होगा वो इसमें डल जाएगा, तो वो हमारी लेंथ को पूरा कर देगा। ऐसे मैंने 4 इंच पे 22.5 इंची की बेल्ट और 4 इंच की चौड़ाई लेके काट देनी है इसको। ये हमारी बेल्ट कट चुकी है, ये इस तरह से आ जाएगी। ये बेल्ट हमारी इस तरह से ऊपर आ जाएगी। अब यहां से मैं प्लेट्स डाल के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कवर कर लूंगी अंदर की तरफ। मैंने 3 प्लेट्स आगे और 3 ही पीछे डालनी है। सबसे पहले अभी मैं इसको ऐसे खोलूंगी और ये जो पार्ट है मेरा क्रॉचर के साइड वाला जो छोटा पार्ट है उसको मैं ऐसे फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी अंदर की तरफ, ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। ऐसे हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये ऐसे मैंने सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ से हमारी किनारी है तो मैं इसको ऐसे सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। कोना मैंने इस तरह से बना लेना है, ये हमने फिनिशिंग से बनाना है। ये पहली साइड मैंने इसलिए डबल फोल्ड किया, वहां से हमारे धागे निकल सकते हैं, ये किनारी वाली साइड है इससे नहीं निकलेंगे, तो मैं इसको सिंगल फोल्ड ही कर रही हूँ। ऐसे मैंने सिंगल फोल्ड करके सारी सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। मैंने अपने दोनों पार्ट्स को इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब मैं इस पे लेस लगाऊंगी। ये जो छोटा वाला भाग है इसमें हमने कम लेस लगानी है और यहाँ से हमने शुरू करनी है बड़े वाले पार्ट से। ये वाली लेस है मेरी ऐसे आ जाएगी, ये बाहर की तरफ इस तरह से मैं लेस लगाती जाऊंगी। ध्यान में रखिए जो पार्ट हमारा ऊपर आना है वहाँ पे लेस हमारी आनी जरूरी है, जो अंदर की तरफ है उस पे हम कम लेस लगाएंगे। ऐसे मैंने सिंगल बड़े वाले पार्ट की तरफ लेस लगा ली है सारी। अब ये कोना मैं यहाँ से बना रही हूँ, जो छोटा वाला पार्ट है उसमें मैं सिर्फ 10 इंचेस की लेस लगाऊंगी, क्योंकि इससे ऊपर हमारी दिखेगी नहीं। ये 10 इंचेस तक की मैं लेस लगाऊंगी, मैंने इसको मार्क कर लेना है 10 इंचेस को। अब मैं इस तरह से कोना बनाते हुए, ये फिनिशिंग से बनाना है क्योंकि ये दिखेगा, तो ये मैं 10 इंची तक अपनी लेस लगा रही हूँ। इसको हम यहाँ से कट करके फोल्ड कर देंगे। ये ऐसे मेरी लेस लग चुकी है,
अब मैंने अपने दूसरे पार्ट पे भी ऐसे ही लेस लगा लेनी है सेम। देखिए मैंने इस तरह से लेस लगा ली है, अब ये इस तरह से आ गया है। वैसे इसको मैं खोलूँगी, दोनों को मिलाऊँगी और इनके क्रॉचर पार्ट को स्टिच कर दूँगी। इस तरह से मैंने इक्वली ले लेना है। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देना है इसको। ऐसे मैंने अपना क्रॉचर पार्ट स्टिच कर लेना है। ये हमारा आसन स्टिच हो चुका है इस तरह से। अब मैं यहाँ से इसको खोलूँगी, इस तरह से मैंने खोल लेना है दोनों पार्ट्स को। ये इस तरह से आ जाएगा, मैं इसको ऐसे रखूँगी। मैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको इस तरह से रखूंगी। मैंने यहाँ पे अपनी मार्किंग कर लेनी है। ये सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से ही नीचे वाले पार्ट को ज्वाइंट करूंगी। इस तरह से 1.5 इंच का मार्क आना चाहिए, 1.5 इंच का गैप आना चाहिए हमारा आसन से। और यहाँ से यहाँ मैं सारी नीचे तक मार्किंग कर लूँगी ताकि ये मेरा फैब्रिक इधर उधर ना हो। फिर अपनी मार्किंग के साथ साथ ही मैं इसको स्टिच भी कर दूँगी। इस तरह से मैं इसको मार्क कर रही हूँ। ये मैंने इसको मार्क कर लिया है। नीचे से हम 8 इंच छोड़ेंगे ताकि हमारा पैर जो है वो ईजीली जा सके। ये देखिए हमारे 6 इंच मोरी आ रही है, 6 इंच में हमारा पैर इजीली जा सकता है, यू कैन सी। तो हम यहाँ पे 8 इंचेस तक ही स्टिच करेंगे इसको। ये पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से स्टिच कर रही हूँ। मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। फ्रंट के जो दो हिस्से हैं दोनों को मैंने अटैच कर दिया है। अब इस तरह से मैंने दूसरी तरफ का भी अटैच कर लेना है। फ्रंट हमारा अटैच हो गया है। अब मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी जैसे जैसे मैंने मार्क किया था। कम से कम 1.5 इंच का गैप आना चाहिए क्रॉचर पार्ट से। तो नीचे तो हमने मार्क किया ही था जितना हमारा आ रहा है। ऐसे मार्किंग के साथ साथ मैंने इसको स्टिच कर देना है। ध्यान में रखिए नीचे वाला पार्ट खींचना नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा और रेब में है तो खींच भी सकता है। तो हमें ध्यान से ही ये सिलाई लगानी है। आप थोड़ा थोड़ा करके इसको सिलाई लगा सकते हो क्योंकि इसमें हमारा बैक वाला पार्ट भी जुड़ चुका है तो थोड़ा मुश्किल होती है ये लगानी सिलाई। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही लगाइए। सिर्फ हमने अगले दो पल्लों को अटैच करना है इस तरह से। ये मेरी मार्किंग आ गई है 8 इंच तक जो मैंने लगाई थी। अब मैं सिर्फ इसको यहाँ तक ही स्टिच करूँगी। यहाँ पे हमने अपनी सिलाई को पक्का कर लेना है।
ये इस तरह से स्टिच हो चुकी है सारी सलवार। ये इस तरह से ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट के दो पार्ट हैं। अब मैं इनको ज्वाइन करूंगी। सबसे पहले मैंने दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लेना है। ये इस तरह से मैंने अपनी बेल्ट को अटैच कर लेना है दोनों तरफ से। ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है इस तरह से। मैंने इसमें इलास्टिक डालना है तो मैं इसको कोई इस तरह से ओपन नहीं छोड़ूंगी। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लूंगी। मैंने जो सिलाई वाला पार्ट है उसको सेंटर में रखना है। दोनों को मैंने सेंटर में ला के यहाँ पे साइड्स में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं दोनों साइड्स में। अब इसी तरह से मैं सलवार के भी दोनों साइड्स में कट लगा लूँगी। ये मैंने सेंटर से सेंटर को मिला के इस तरह से मैंने इसको कट लगा लेने हैं छोटे छोटे, ताकि जो मेरी प्लेट्स है वो इसके अंदर अंदर ही रहें कट के। अब मैंने यहाँ पे प्लेट्स डालनी हैं। ये मैं अंदर की तरफ डालूंगी, बैक की भी हम इसी तरह से अंदर की तरफ ही डालेंगे। तो मैंने अपनी लेस से गैप देके अपनी प्लेट्स को रेडी करना है। ये बड़ी बड़ी प्लेट्स डालूंगी तो तीन प्लेट्स सफिशेंट होगी इसके लिए। हम साथ में अपनी बेल्ट को चेक कर लेंगे कि ये हमारी बेल्ट के अकॉर्डिंग है प्लेट्स या नहीं। तो ये हमने ऐसे प्लेट्स डाल ली है। अब मैं अपनी बेल्ट के साथ इसको मैच करके देखूंगी। ये मैंने सेंटर से सेंटर को मिलाया और ये कट से कट तक मैं देख रही हूँ ये हमारी मैच हो रही है ये कट से कट तक। तो इतनी प्लेट्स हमारे लिए सफिशेंट है। तीन ही ऐसे ही मैं उधर भी डाल लूँगी दूसरी तरफ, और ऐसे ही मैंने बैक में भी डाल लेनी है तीन तीन। इस तरह से मैंने बैक में भी प्लेट्स डाल दी है। यू कैन सी ये फ्रंट है और ये बैक है। तो इस तरह से मैं अपनी बेल्ट को अंदर की तरफ रखूंगी। यू कैन सी मैंने अंदर की तरफ यानी कि उल्टी साइड मैंने इस तरह से बेल्ट रखनी है अंदर की तरफ। सलवार की सीधी है और बेल्ट की उल्टी साइड है अंदर की तरफ। ऐसे हमारे इलास्टिक लगने में भी फिनिशिंग आती है। इस तरह से हमने अपनी सारी बेल्ट को अटैच कर लेना है अपनी सलवार के साथ। ये कट से कट तक हमने चेक कर लेना, हमारा कट से कट तक मिल रहा है। ऐसे हमारा सेंटर भी मिल रहा है। ऐसे मैंने बेल्ट अटैच कर लिया। मैं इसको ऐसे एक दो पॉइंट फोल्ड करके इसको ऊपर से स्टिच कर लूंगी लास्टिक लगाने से पहले। अब मैंने अपनी लास्टिक लेनी है तो मैं 15 इंचेस की अपनी लास्टिक ले रही हूँ। ऐसे मैंने इलास्टिक ले लिया, मैंने इसको एक दो पॉइंट फोल्ड करके ऐसे सिलाई भी लगा लिया। मैं इस तरह से अपना इलास्टिक रखूंगी और बाहर की तरफ इस तरह से फिनिशिंग से सिलाई लगाऊंगी। हमने अंदर से बेल्ट को बाहर की तरफ लेके आना है फिनिशिंग के साथ। हम जैसे पैंट में नॉर्मल पैंट में ऐसे ही बेल्ट अटैच करते हैं,
तो इस तरह से मैंने अपने सारे इलास्टिक को सलवार के साथ अटैच कर लेना है। ध्यान में रखिए इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, तो इस तरह से इलास्टिक स्ट्रेच नहीं होगा बिल्कुल भी। हमें इलास्टिक को अंदर की तरफ रख के बाहर की तरफ सिलाई लेके आनी है और फिनिशिंग के साथ, क्योंकि ये बाहर की मेन सिलाई है। हम ये वाली सलवार को टॉप के साथ, लॉन्ग टॉप के साथ, शर्ट के साथ, कैसे भी इसको कुर्ती के साथ वेयर कर सकते हैं इजीली, और ये काफ़ी ट्रेंडी है आजकल। इस तरह से हमारा इलास्टिक अटैच हो चुका है। अब मैं इलास्टिक के बीच वाली सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने खींच के पहले इलास्टिक को इक्वली सारे सलवार में एडजस्ट कर लेना है, देन आफ्टर मैं ये सेंटर वाली सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से आ जाएगी ये रेडी होने के बाद। ये हमारी सलवार ऑलमोस्ट रेडी है। ये होगी हमारी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीडिज़ाइन। थैंक यू।